वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। आज हम अपने मैथ्स के सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी हम चैप्टर है डेसिमल्स फ्रैक्शन में। तो डेसिमल फ्रैक्शन कुछ ऐसे चैप्टर है जो ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, बट अगर बेसिक समझ लीजिएगा तो बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम सीखते हैं और जानते हैं डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए दोस्तों, डेसिमल फ्रैक्शन हम बोलते हैं उन फ्रैक्शन को जिसके नीचे 10 होता है डिनोमिनेटर में। सबसे पहले फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, फ्रैक्शन जिसको p बाई क्यू में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, ठीक है। तो डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं हम जिसके नीचे 10 का पावर का कुछ हो, 10 है, 100 है, इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे जो डेसिमल फ्रैक्शन है इसको वल्गर फ्रैक्शन में, मतलब जहाँ की 10 पावर में नीचे ना हो। तो जैसे 0.25 है, 0.25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25/100। अब देखिए ये कैसे कन्वर्शन कैसे होता है, ये पॉइंट है, पॉइंट की जगह पर 1 बिठाइएगा और जो उस पॉइंट के बाद राइट साइड में जितने नंबर है 1, 2, तो 2 0 और इसको डिवाइड करिएगा तो 1/4 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद है ऑपरेशन करना। ऑपरेशंस मतलब क्या क्या हो सकते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, तो हम सब एक एक करके देख लेंगे। तो जैसे ये हमारा एडिशन है, तो सबसे पहले आप पहला जो है वो लिख लेते हैं 0.6.5। अब देखिए ये जो पॉइंट यहाँ पे, इसका पॉइंट भी यहीं पे होना चाहिए, पॉइंट के बाद भले ही कितने नंबर हो, 25 है यहाँ पे, इसके बाद कितना है 0.26, बाकी सिंपल एडिशन है। अगर यहाँ कुछ नहीं है, 0 बिठा दीजिए आप, तो क्या आ गया 5, 7, 2, 2, 8, 6। तो इस तरह से इसका निकलेंगे। मल्टीप्लिकेशन का दोस्तों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको सिंपल देखिए मल्टीप्लाई करना है इस चीज़ को। अगर आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई करिएगा 21693 को 14 से, तो कितना आएगा, पहले 12, 36, 7, 3, 27, 100/2, 6, 8, मल्टीप्लाई 1, 3, 9, 6, 1, 2, 2 आ गया, 10 आ गया, 16, 17 हो गया, 1, 13 हो गया, फिर 10 आया, फिर 3 आया। अब देखिए ये हमारा मल्टीप्लाई करके, अब देखिए हमें कितना पॉइंट के बाद पॉइंट लगाना है ये देखना है। तो पॉइंट के राइट साइड में काउंट करिए कितने नंबर है, पहले इस नंबर में कितने नंबर, 1, इसमें कितना, 1, 2, 3, 4, तो इसमें 4 होगा, इसमें 1 हो गया, तो टोटल कितने, 5। तो हमें 5 के बाद पहले पॉइंट लगाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, इसके पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे हम। और अगर डिवीज़न की बात करिएगा तो डिवीज़न भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जैसे ये इसको डिवाइड करिएगा तो डिवाइड बाई 17 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल ले लीजिए 17 को 2204 से कट करिएगा तो ये कटेगा आपका 12 टाइम्स में, ठीक है, और 12 टाइम्स में कटा। अब देखिए आपके पास कितने पॉइंट, ज़ीरो कितने पॉइंट, कितने नंबर के पहले, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 2 ही हमारे पास, तो 2 0 बिठा देंगे, पॉइंट लिख देंगे 0.0012, ये इसका आंसर है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे भी 0.17 होता तो देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना है, 2 है यहाँ पे, तो हम जैसे मल्टीप्लाई में क्या कहते हैं, ऐड कर दिए थे, मतलब यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 4 था, ऐड हो गया 5 हो गया। ये डिवाइड में होता तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट 2 के बाद होता, ये जो 2 डिवाइड में है, जितने पॉइंट के बाद नंबर है वो पॉइंट्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 नीचे पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो ये दोनों यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये पॉइंट, ये दोनों नंबर पॉइंट के बाद हट जाएंगे, तो ये सिर्फ 2.04 बच जाएगा, ठीक है। वैसे कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हम उसे सीख लेते हैं, देखते क्या क्या है वो। सो दोस्तों अब हम आएंगे रिकरिंग डेसिमल पे। तो रिकरिंग मतलब क्या होता है, अगर कोई डेसिमल नंबर है उसमें नंबर बार बार रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1/3 इक्वल टू क्या, 0.3, 0.3, 0.3, ये कभी कटेगा ही नहीं दोस्तों, ये 3 आते जाएगा। वैसे 22/7 में 3.142857, फिर ये जो नंबर है इतना दूर तक फिर रिपीट करेगा, तो इसको बोलते हैं रिकरिंग। अब प्योर रिकरिंग क्या होता है, प्योर रिकरिंग वो होता है दोस्तों कि पॉइंट का जो नंबर रिपीट कर रहा है वो हमेशा सेम हो रहा है। जैसे 53, ये बार 53 आएगा, ये हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर आप मिक्स्ड में आइएगा तो मिक्स्ड में क्या होगा, आपका जैसे 17 है तो 17 रिपीट आगे नहीं होगा, सिर्फ 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 रिपीट होगा, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखिए 53 है तो 53 से प्योर रिकरिंग है, ये प्योर रिकरिंग है, तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे 53/99 से, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब ये जो नंबर है मिक्स रिकरिंग, उसको कैसे चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 1, 6 के ऊपर सिर्फ रिकरिंग, इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा 16 माइनस जिस नंबर पर रिकरिंग नहीं है, टोटल नंबर माइनस जिस नंबर पर रिकरिंग नहीं है, डिवाइड बाई 90,
जितना पॉइंट है, ठीक है, जितने पॉइंट के बाद नंबर है पहले वो ले लेंगे, और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे दो, एक पॉइंट का दो नंबर है तो 100 ले लेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे कितना से, जितने जितना जैसे एक पे है तो 10 माइनस कर दिए, अगर ये दो पे होता तो 100 माइनस कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से बनेगा एग्जांपल, इसमें देख लेते हैं 0.2273 है तो ये रिकरिंग है तो 2273 लिख लिया हमने। उसके बाद क्या करना था, जिस पे नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब पॉइंट का कितना जीरो है, 1 2 3 4, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है हमें उसको, दो के बाद है तो 100 से करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको डेली ऐसे वीडियो मिल पाए। और कमेंट करिएगा, आप हमें कुछ भी और पूछ सकते हैं, आपको क्या ज़रूरत है जानने की तो हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों, इस मैथ सीरीज़ को फॉलो करें, आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाए और किसी भी एग्जाम के लिए रेडी हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, दोबारा आते रहिएगा, हम अगले कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, तो प्लीज़ उन क्वेश्चन को फॉलो करिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल विथ विटोर्र क्लासेस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, दोबारा आते रहिएगा, धन्यवाद।